आज हम बनाएंगे चॉकलेट आइसक्रीम। चॉकलेट आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने लिए है 250 ml फ्रेश क्रीम, ये अमूल फ्रेश क्रीम है, 100 ग्राम कंडेंस मिल्क, 3 चम्मच कोको पाउडर, थोड़ी सी चोको चिप्स। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ये क्रीम को एक बर्तन में निकाल लेते हैं। क्रीम को आप पहले फ्रिज में रख के ठंडी कर लीजिए आइसक्रीम बनाने से पहले, उसके बाद इसे निकाल लें। देखिए हमने क्रीम निकाल ली है पूरी। अब हम इसे हैंड मिक्सर से 3 मिनट तक बीट करेंगे, मीडियम पे करके 3 मिनट तक हम इसे। देखिए 3 मिनट हमने हैंड मिक्सर से मीडियम पे रख के इसे बीट कर लिया है। अब हम इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे, ये कोको पाउडर डालेंगे। कोको पाउडर को छानना बहुत जरूरी है, आप इसे छान कर ही डालें। देखिए हमने कोको पाउडर को छान लिया है, इसे छानना बहुत जरूरी है, नहीं छानेंगे तो ये इसकी में जो ये गठानसी है ये सब इसमें मिक्स हो जाएगी, फिर ये हटेगी नहीं, तो इसे आप छाने। अब हम इसे थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे मिला लेते हैं, पहले इस तरह मिला लेंगे नहीं तो ये कोको पाउडर उड़ेगा। थोड़ा इसे मिला लें, फिर हैंड मिक्सर से बीट कर लेंगे थोड़ा। देखिए हमने थोड़ा उससे मिला लिया है, अब हम इससे बीट कर लेते हैं थोड़ी देर। देखिए हमने 1 मिनट इसे हैंड मिक्सर से और बीट कर लिया है। अब हम इसमें ये चोको चिप्स डाल देते हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें। मिक्स कर लेते हैं। मैंने ये एक एयरटाइट कंटेनर लिया है, इसमें हम ये आइसक्रीम का मिक्सचर डालेंगे। देखिए हमने निकाल लिया है कंटेनर में आइसक्रीम मिक्सचर को। अब हम इसके ऊपर ये बटर पेपर लगा देते हैं ताकि इस पे क्रिस्टल ना आए। और इसे बंद कर देते हैं। अब हम इसे 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देते हैं। देखिए 8 घंटे के लिए मैंने आइसक्रीम को डीप फ्रीजर में सेट होने के लिए रख दिया था। 8 घंटे हो चुके हैं, खोलते हैं हम इसे। देखिए इसके ऊपर ये आइस क्रिस्टल आ गए हैं, इसी से बचाने के लिए हमने इस पे बटर पेपर लगाया था। अब हम इसे निकाल लेते हैं आराम से, इस तरह आराम से बटर पेपर निकाल देंगे हम। देखिए हमने इसका बटर पेपर रिमूव कर लिया है। अब हम इसे निकालते हैं बाउल में, तो एक ये गहरी चम्मच ले लीजिए इस तरह, इसे गर्म पानी में डिप कीजिए और फिर हम इसे निकालेंगे। देखिए हमने आइसक्रीम को ये बाउल में निकाल लिया है। जरूरी नहीं होता है कि सबके पास आइसक्रीम निकालने के लिए स्कूप हो, मेरे पास भी नहीं है इसलिए मैंने चम्मच से निकाला। आप चम्मच को हल्का गर्म पानी में थोड़ा सा डिप कीजिए और उसके बाद आइसक्रीम निकालिए, अच्छी तरह से निकल जाती है। और हम इसके ऊपर चोको चिप्स डाल देते हैं थोड़ी सी डेकोरेट करने के लिए। ये चॉकलेट आइसक्रीम बनकर तैयार है, अब आप इसे सर्व कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू।